जैनब को एक्स्ट्रा खुशियाँ चढ़ी हुई है, कुत्ता पहन के जाइए ना पीछे। फूड आ चुका है, सबसे पहले भी है मैडम ना ट्रांसफर फ्लाइट में घुस गई है। अभी मेरी जैनब खो जाती, गलती से उसको लगा कि हमें पिक करने आया है। ओके बैठ जाओ, तुम्हें पहुँचा देंगे। माय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का झटपट से पता चले। तो भी अपडेट ये है कि हम लोग जा रहे हैं अब जा रहे हैं। अरे तब से ही जा रहे थे, प्लेन में जा रहे हैं। उनको अपडेट पिछले से करेक्ट करना है ना, और इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, प्रॉपर तरीके से इन्होंने गाइड किया कि आपने इधर जाना है, इधर जाना है, बोर्डिंग होने वाली है, अब आप आ जाएँ। लेट हो रहे हैं हम लोग निकलेंगे फटाफट से, प्लेन में बैठते हैं और अपना ट्रिप जो है वो शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब जैनब के विचार कुछ ये है कि अब आप मुझसे दूर हो जाएंगी। यस, मैं अब दूर हो जाऊंगी। मैं ना प्लेन बिजनेस का लगी हूँ कि तुम्हारे वाले प्लेन में बिजनेस से भी आगे गोल्ड लाउंज। अच्छा जी, वो प्लेन में होता है और वो जैसे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे देख लो प्लेन कितने प्यारे लग रहे हैं, बैठते हैं और सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखा। जो बतीसियाँ निकल रही है ना इकोनॉमी में बैठने के लिए, कोई अभी कुछ भी नहीं होने वाला। वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन द लाइन, देखते हैं। अच्छा जी, मैं तुम्हें पहले बिठा दूंगी ना, फिर तो मेरे साथ आना जाना। ठीक है, हाँ फिर मुझे जगह कंफर्म कर। मुझे वो टर्की वाला ट्रिप याद आ गया जिसमें हम एक कोने में था, दूसरे कोने में बैठा था मैं, ऐसे शफल होके सीट्स मिली थी। तो भाई अब तो मैं तो यही करना पड़ेगा। तो भाई जैनब को मैं छोड़ आई हूँ, उसकी सीट पर बिठाई हूँ और यहाँ पर मैं आके बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पर एयर होस्टेस ने मुझे आते साथ बोला कि भाई अपना मेन्यू डिसाइड करके हमें बताएँ कि आपने क्या खाना है। मैंने कहा अभी प्लेन उड़ा तो है नहीं, आप मुझसे मेन्यू पूछ रही हैं, बट फिर भी देखते हैं क्या खाना है। इधर तो कोफ्ता शोफ्ता एवरीथिंग मिल रही है, बट अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भूख नहीं है, फिर भी अपने मूड के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते हैं पहले और फिर उनको बताते हैं। ओके गाइस, तो मैंने जैनब को 2 से 3 बार कॉल करके पूछ लिया कि भाई ठीक हो, जिंदा सलामत हो, तो शी वाज सेइंग हाँ सब ओके है। और अब हमारा प्लेन है जो टेक ऑफ होने लगा है और ओके गाइस, तो हमारे पास फूड आ चुका है। सबसे पहले भी है ये पता नहीं क्या है, कौन है ये लोग, कुछ चपाती और येलो चपाती, आई डोंट नो व्हाट। फिर ये सैलेड है हमारे पास, देन वी हैव करी, साथ में चिकन कबाब और ये पालक पता नहीं क्या, एंड देन वी हैव राइस, फिर साथ में बटर, ये पता नहीं, ये खोल के देखते हैं क्या है, एंड देन वी हैव आई थिंक कुनाफा, वाओ यम्मी माई फेवरेट समथिंग, वही है, वही लग रहा है। ओके गाइस, तो खाना शाना खा लिया था, अब हमारा भी टाइम पीछे जाए ना, पता नहीं क्या करी होगी, सो देखते हैं। हम पहले मूवी देख लें और फिर थोड़े ही टाइम हम लोग पहुँचने वाले हैं। ओके गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रही हूँ राबिया जैनब का। राबिया तो बिल्कुल बैठी हुई है। अच्छा, अंदर मैं इसीलिए नहीं रुकी कि बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा कि बाहर निकल के एयरपोर्ट के बाहर वाली जगह पे जैनब का वेट करते हैं, अगर ये फिर भी ना आई तो फिर मुझे वापस अदर प्लेन पे जाना पड़ेगा। तो भाई आधे घंटे के बाद ये मैडम आई है बाहर, ठीक है, मैं कब से वेट कर रही हूँ इसका यहाँ पे है। इतनी बुरी बात है, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा यहाँ पे, मुझे लगा गायब हो गई हूँ, लगा मैं तुम्हें छोड़ के पूरा सिटी एक्सप्लोर करने लग पड़ी हूँ। मैं कब से बाहर खड़ी, मैंने कहा अब भी आएगी, लेकिन नहीं है मैडम का कोई पता नहीं। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, सॉरी सफ़र, ईजिली गुजर गया। तो भाई अब हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं जैनब, हम लोग हम वहाँ से भी जा, अपना सामान पिक करने जा रहे हैं, याद से दोनों सूटकेस लेने हैं। और हम इतनी खुशी भी लग रहा है जैनब को, एक्स्ट्रा खुशियाँ चढ़ी हुई है, कुत्ता पहन के जाइए ना पीछे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, जैनब को एक्स्ट्रा खुशी। जैनब मेरे साथ चलो यार, अब तो अभी यही बहन ही भूल गई। हाँ, अब बाहर आपके साथ बहन भूल गई, बड़ी अच्छी बात है। बतीसियों में मुझे तुम्हारी एक्साइटमेंट दिख रही है। ये थे मेरे साथ जाकर, मैंने के साथ ये वाले नहीं, ये नहीं थे वाले, अब लोगों को नजर आ जाएंगे। जैनब अभी गिरना था, बी केयरफुल, बस कर दो, चलो अपने अपना काम करो। 1000 हो रहा हो गया। और यहाँ पे जैनब को सिर्फ तुम्हें एक काम दिया है, यहाँ पे फ्लाइट नंबर ढूंढना है अपना। और जिंदगी में कभी कोई काम किया तुमने सही से, तुम्हें इसलिए साथ लेके आई हूँ मैं, हर जगह जलील करवाना, चुप करके वहाँ पे फ्लाइट नंबर ढूंढो। ओके गाइस, हम लोगों को ना हमारा फ्लाइट नंबर मिला है वहाँ पे और ना इस औरत को मिला है कुछ। हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। भाई हमारा ड्राइवर वेट कर रहे, पहले कि वो ज्यादा वेट करे अपना लगेज ढूंढना होगा जल्दी, हमारे साथ इधर कोई है भी नहीं जो हमारी हेल्प कराएगा, समझे। जैसे फ्लाइट नंबर ढूंढा, बड़ी अच्छी बात की है तुमने। मैडम ना ट्रांसफर फ्लाइट में घुस गई है, बाहर आओ अराइवल में जाना है वो बोल रहे हैं।
मुंह उठाया जहाँ पे भी उन्होंने देखा कि वो लोग चल रहे हैं, ज़ैनब और मैं अंदर लग गए ठीक है। बट मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया, मैंने कहा जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं आपको अराइवल्स पे जाना है। व्हाट वाज दैट, मैं ना आती थी, तुम तो गई थी। मैं लोगों को देख के कह रही हूँ कहाँ गई, और उनको देख के ना ऐसे लग रहे हैं वो चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। हर जगह ऐसे ही होता है ना, बट ये नहीं पता था कि वो ट्रांसफर्स वाले थे और हमें अराइवल में पहुंचना था। तो अभी मेरी ज़ैनब खो जाती, अभी हमें प्लेन उड़ा के कहीं और ले जाता। चलती जा रही है, बेशरम चलती जा रही है कि ज़ैनब घूम ही जाए। तो वो फास्ट लेन होती है ना कि आपने जल्दी जल्दी चलना होता है। अब हम इधर से अराइवल्स में जाएंगे। ज़ैनब का UAE में फर्स्ट टाइम है, तो वो उसे कहीं और से लेके आ रहे हैं इस टाइम। उन्होंने कहा पुत्र वापस तो उठो आप चल शाबा। और मुझे नहीं पता से लेके किधर जा रहे हैं, मुझे जाना किधर है, और मुझे उसे ढूंढना ना कहाँ कहाँ पे है, जाना किधर है। इतने बड़े बड़े बाहर शीशे लगे हैं, दिख ही नहीं रही है। चलो खुद ही आ जाएगी, क्वेश्चंस तो उसे देने आते ही हैं। ये खड़ी हुई है जाना मैडम, से हाय, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर देना ठीक है, पता चले यहीं से पाकिस्तान भेज दिया, इसकी सारी खुशियाँ इधर ही रह जाए। इस औरत ने हमें इतना ज्यादा लेट कराया, कह रही है पता है बच्चा पहली दफा आया, मुझे क्या पता भी होगा कि यहाँ पे रोक लेंगे। हाँ, तो आपको नहीं रोका क्या? थर्ड और फोर्थ टाइम शायद, और मेरा तो पहली बार। अब यहाँ से लाइन में लगो, अपना बगेज स्कैन, लगेज भी नहीं, बगेज न्यू पार्टी होती है शुरू। अपना यहाँ से लगेज स्कैन कराते हैं और वहाँ से अपना लगेज पिक करते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द अबू धाबी एयरपोर्ट, और अब हम लोग लेने जा रहे हैं अपना सामान। ज़ैनब फ्लाइट नंबर मैंने तुम्हें बता दिया, फटाफट से ढूंढो, ड्राइवर बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी। ओके गाइस, सो फाइनली हमें हमारा लगेज जो है मिल चुका है। ज़ैनब मैडम वो जा रही है। ज़ैनब मेरे साथ तो आ जाओ और देख तो लो जाना किधर है। बस मुँह उठा के जा रही है सीधा सीधा। किधर सीधा? नहीं ऐसे सीधा सीधा नहीं, उनसे पूछ लो वेयर इज द एग्जिट, जल्दी पूछ। ओके गाइस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं बाहर, और हम उन्होंने हमें बोला था कि एंट्रेंस 7 से आना है। हम लोग एंट्रेंस 7 से आ गए और बोला था लेन 10 में खड़े हैं, लेन 10 नहीं मिल रही है हमें बिल्कुल भी, और इतनी ज़्यादा गर्मी, आई थिंक वो लेन 10 है। मिल गई। सो हमें फाइनली हमारे ड्राइवर मिल चुका है, हम लोग अपना सामान उठा थे। इतनी शदीद गर्मी ऐसे लग रहा है, ज़ैनब यू हैव टू बी केयरफुल। तो भाई गाड़ी मिल चुकी है, अब ज़ैनब ड्राइवर को देख रही है कि क्या करना है। उनको बोलो लगेज रखते हैं, नहीं यहाँ पे ड्राइवर नहीं, वो बाहर ही हैं, थिंक वेट कर रहे हैं। अंकल भी अब हाँ हमें लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। गलती से हुआ, उसको लगा कि हमें पिक करने आया है यहाँ पे। ओके ज़ैनब बैठ जाओ, तुम्हें पहुँचा देंगे, और अपना सामान तो पकड़िए। गलत ड्राइवर, सारे मिलते हैं हमारे, अभी ही होने हैं। शुक्रिया भाई, चलो चुप कर जाओ, कोई लैंड क्रूजर नहीं। अब मैंने जाना तुम्हारी किसी भी लैंड क्रूजर पे एक नहीं करना, कोई भी होगी उसमें बैठ जाएंगे, मुझे देख लेने दो। नहीं वो वीगो है, आंखें खोल के देखो, उसे पीछे वाली लग रही है यार। इतनी गर्मी है, डर में मुझे भी लग रही है। और ये तो नहीं है, ये तो नहीं मुझे ये वाली लग रही है शायद, ये वाली। जरा उससे पहले पूछ लो कि हमें ही लेने आए वो, हम आपके आप ड्राइवर हैं। नहीं भाई मेरी तो अपनी गाड़ी है। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल। चलो भाई हमें फाइनली हमारी गाड़ी मिल चुकी है, इसमें सामान रखवा दो, सब तुम्हारी बदौलत है। अब मुझे क्या पता था बुड्ढे अंकल के पास। नहीं वो बेचारे कह रहे थे अगर आप कहती हैं तो छोड़ देता हूँ, बहनों की तरह हूँ आप मेरी। मैं हमने कहा नहीं हमारी अपनी, पता नहीं किधर है। चलो बैठो वहाँ से, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अब हम लोग जाने लगे हैं अपने होटल। अब हम लोग जाएंगे घर। हाँ नहीं लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड अभी पेंडू कभी तो वही आयो। खैर छोड़ो, मैं क्या कहने लगी थी, अभी हम लोग जाएंगे होटल, फ्रेश होंगे और रेस्ट करेंगे। नथिंग एल्स बिकॉज़ आई एम सो टाइड राइट नाउ। हां मुझे तो लगा था हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। तुम्हारी हरकतों से यही लग रहा है कि तुम मुझे किसी दूसरी गाड़ी में बिठाने लगी थी। मुझे फ्रंट डोर खुला हुआ था, मुझे लगा उसने हमारे लिए खोला है और मैं बैठने लगी थी। बेटा आपको चाहिए राइट, मैंने कहा आप ड्राइवर, कहता नहीं ये मेरा अपना गाड़ी है। गाड़ी तो आपकी अपनी है बट आपको हमें पिक करने में, कहता नहीं मेरा दोस्त है, आपको चाहिए तो मैं दे देता। मतलब हम भाग रहे थे किसी और की गाड़ी में बैठ के, बट कोई नहीं, बचत होगी। अब हम लोग जा रहे हैं होटल। ओके गाइस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल, और अभी आपको जाके अपना थोड़ा सा टूर कराते हैं होटल का। ज़ैनब आते साथ एक्सप्लोर कर रही है, कभी कुछ देख रही है, कभी क्या है सब कुछ। हमारा लगेज किधर है? चला के यहां वाली टू राइट, या दीस टू, दिस योर फर्स्ट टाइम? या इट्स आवर फर्स्ट। आई हैव माय नेम इज ज़ैनब एंड ज़ैनब, माय नेम इज हिरा एंड हर नेम इज ज़ैनब। माशाल्लाह
अब हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन पे चेक इन करवाते हैं। इतना प्यारा है, इसका टूर कल कराऊंगी आपको। अब यहाँ पे हो रही है वेटिंग शेटिंग और ज़ैनब ऐसे देख रही है। मैं प्यारी नहीं लगती हूँ? नहीं आप प्यारी लग रही, मुझे तो तुमने देख के ऐसे लग रही थी। मैं इसके आंखों में खो गया हूं, माय गॉड। लड़की थी वो, क्या हो गया? खैर ज़ैनब इधर ब्यूटीज देख रही है और हम वेट कर रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ज़ैनब मैडम सारी डिटेल्स दे रही है, बुकिंग करवा रही है इधर। हाय, खदीजा, योर नेम इज खदीजा राइट? Two sisters, five brothers. Oh wow, that's why she's so beautiful. Recently we visited Turkey and it's so full of beauty. The bridge, yeah, Istanbul and Cappadocia. Wait, it's beautiful. Yeah, it's a must place to visit. So check in ho gaya, ab hum log ja rahe hain to enter in our room, dekhte hain kya hota hai. Abhi hum log apne floor pe pahunch chuke hain, ab Zainab room jo hai wo dekhegi kahan pe, kya room number hai? 4309. अरे होटल कितना अच्छा है, नीचे से बहुत बड़ा है, इनका अपना पर्सनल बीच पे, बेसिकली इट्स एन आइलैंड, आइलैंड पे बना हुआ ये। हाय गाइस, जल्दी जल्दी चलो, मुझे रेस्ट करना है। जनाब किधर लेके आ रही हो? 4309 है। ओ इसके अंदर होगा कहीं, देखो इधर जनाब, इधर जनाब, इधर देखो। ओ इधर ही है, चलो फिर चलते हैं रूम में, देखते हैं कैसा है। Oh my gosh, it's too pretty. करा मेरा separate bed है। Wow. हाँ, पूरे room का tour आपको कल करवाऊंगी, ठीक है? और उम्मीद करती हूँ आपको आज की video अच्छी लगी होगी। If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share. Plus, don't forget to click the bell icon. I will be right back with another video update. देती रहूँगी और हम क्या क्या करने वाले, सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। So take care, bye bye, Allah Hafiz.